हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस इट्स मीनिंग। माइक्रो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल। इट मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट से रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी किया जाता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर से रिलेटेड हो, किसी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर से, किसी इंडिविजुअल फर्म से, किसी इंडिविजुअल इंडस्ट्री या फिर मार्केट से। माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। फर्स्टली, हर इंडिविजुअल, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर, वो एक लॉजिकल और सेंसिबल मैनर में बिहेव करता है। सेकेंडली, हमें मार्केट में डिमांड, सप्लाई, प्राइस और अदर मार्केट कंडीशंस की वैलिड इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। थर्डली, देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। फोर्थली, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बीच जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना हो रही हैं। एंड लास्टली, the basic assumption of microeconomics is other factors being constant। it means कि हमारे main factors को छोड़ के other factors में कोई भी change नहीं होगा। microeconomics के components हैं theory of demand, theory of supply and theory of price। थ्योरी ऑफ डिमांड में हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कैसे एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट यूजेस में स्पेंड करता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। वेयर एज इन थ्योरी ऑफ सप्लाई हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि वो कैसे डिसाइड करता है कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है ताकि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। थ्योरी ऑफ प्राइस में हम ये स्टडी करते हैं कि गुड्स और सर्विसेज का प्राइस कैसे सेट किया जाता है बाय कंसीडरिंग डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। इन सब कंपोनेंट्स में जो थ्योरी ऑफ प्राइस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है। इट वॉज ऑल अबाउट व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और हमारी अगली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।